बैक टू न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, वाटरमार्क कैसे लगाते हैं और अपना नाम उस पर लिखते कैसे हैं, रिमूव कैसे करते हैं, ये सब कुछ आज हम लिखेंगे, आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर। तो चलते हैं एमएस वर्ड के अंदर। ये देखें, एमएस वर्ड का बिल्कुल सादा सा एक पेज है जैसा आपके सामने एमएस वर्ड ओपन करते ही शो होगा। फिर आपको चले जाना है, ये लिखा हुआ है डिज़ाइन, आपको जाना है डिज़ाइन के अंदर। जैसे ही आप डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन वाटर मार्क लिखा हुआ होगा, आपने इसके ऊपर चले जाना है। आप जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आइएगा थोड़े से और यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम वाटर मार्क, तो आपने इसी पे ही जाना है। यहाँ पे जाके आपने नो वाटर मार्क, यहाँ पे आना है, एक ऑप्शन लिखा हुआ होगा आपके पास टैक्स वाटर मार्क, तो आपको इसी के ही ऊपर जाना है, टेक्स्ट वाटर मार्क को ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, ये आ गई आपके पास सारी लैंग्वेजेस, आपको किस लैंग्वेज में वाटर मार्क चाहिए, तो मेरे को इंग्लिश में ही चाहिए तो मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट, टेक्स्ट वाले पर आपको क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना एलिम, इसको रिमूव करके एलिम अकेडमी ये लिख दिया मैंने, गाइस एलिम अकेडमी। यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे आएंगे आपके पास फॉन्ट, ये लिखा है फॉन्ट, और यहाँ पे आप सबको फॉन्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा साइज़, साइज़ आपको कितना चाहिए वाटर मार्क का, उतना आप कर सकते हैं। मैं इस पर ही रहने देता हूँ ऑटो पे। और आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए या आपको, मतलब इन दोनों का मतलब ये है, आपको आड़ा चाहिए या सीधा, तो मेरे को आड़ा चाहिए गाइस, तो मैं सीधा अप्लाई पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूँगा। तो देखें हमारे पास ये वाटर मार्क लग चुका है। अब हम क्या सीखेंगे, वाटर मार्क को रिमूव होता कैसे है। वाटर मार्क आप जाइए सीधा वाटर मार्क पर और ये लिखा हुआ है रिमूव वाटर मार्क, इससे आपका हट जाएगा वाटर मार्क। अब हम सीखेंगे कि पिक्चर वाटरमार्क लगाते कैसे हैं। ये आपको लिखा हुआ होगा इसके नीचे ही पिक्चर वाटरमार्क, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे आपके पास सेल्स, मैं इसको ऑटो पे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ वॉश आउट, वॉश आउट को आपने, अगर आपका चेक नहीं लगा हुआ तो इसको आपने चेक लगा देना है। फिर आपने यहाँ पे आना है, क्लिक करना है टेक्स्ट वाटर मार्क पे, टेक्स्ट वाटर मार्क पे आप जैसे आएंगे यहाँ पे भी वही है जो वहाँ पे था। यहाँ पे आपको मिलेंगी लैंग्वेजेस, मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मिलेगा आपको टेक्स्ट, टेक्स्ट आपको क्या डालना है, मैं डालूँगा इसको रिमूव करके मैं डालूँगा एलिम अकेडमी, मैं डालूँगा यहाँ पे एलिम अकेडमी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास नीचे फॉन्ट, मैं इसी फॉन्ट में, ये देखें यहाँ पे आ गया आपके पास फॉन्ट, तो नीचे मैं इसी फॉन्ट में रहने देता हूँ। और यहाँ पे आ गए साइज़, आपको किस साइज़ का चाहिए, मैं ऑटो पे ही रहने देता हूँ क्योंकि ऑटो क्या करता है, जो आपका ये है ना पूरा पेज का साइज़, उस हिसाब से आपका ये एडजस्ट हो जाता है, तो मैं इस पर ही रहने देता हूँ। अप्लाई करता हूँ इसको और देखें हमारा वाटरमार्क लग चुका है यहाँ पे। अब हम सीखेंगे ये इसके ही बराबर में, वाटरमार्क के बराबर में लिखा हुआ है पेज कलर। अब हम सीखेंगे कि इसको लगाते कैसे हैं, ये लिखा हुआ है पेज कलर, हम इसके ऊपर चले आएंगे और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फिल इफेक्ट्स, फिल इफेक्ट्स में जाएंगे हम, यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, कोई सा भी चाहिए, फ्रॉम सेंटर चाहिए, कोई सा भी चाहिए, हम वहाँ से लगा सकते हैं ये, या तो आपने ये देखें यहाँ पे इतने सारे आपको मिल चुके हैं, मेरे को, मुझे जो अच्छा लग रहा है, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं यही, और या तो आप अपनी कोई भी पिक्चर हो वो लगा सकते हैं यहाँ पे। ये लिखा हुआ है सिलेक्ट पिक्चर, पिक्चर पे जाएं, ये ऑफलाइन वर्किंग पे जाएं, ऑफलाइन वर्किंग पे जाके आपने जहाँ पे पिक्चर सेव की हुई हैं वहाँ पे आप चले जाइए। तो गाइस मेरे इसमें पिक्चर्स सेफ नहीं है, वरना मैं आपको चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ करके दिखा देता,
तो आप जाएं यहाँ पे, यहाँ पे भी देखें आपको इतने सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मिलेंगे आपको ग्रेडियन, ग्रेडियन मिलेंगे यहाँ पे। ग्रेडियन को कैसे लगाते हैं, जैसे आपको हॉरिजॉन्टल लगाना है तो हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कलर, लिखा हुआ होगा यहाँ पे। आपने यहाँ पे जाना है, आपने जिस चाहिए आपको कलर वो आपने सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, तो सिंपल है बिल्कुल, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो देखें ये हमारा लग चुका है कलर, ये देखें। और अब हम चेकेंगे पेज के ऊपर बॉर्डर कैसे लगाते हैं, तो आज ही हम वो भी सीख लेंगे। तो इसके ही बराबर में लिखा हुआ है पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइन दी हुई है हमारे को कि कितनी आपको थिक लाइन चाहिए, बारीक भी है थिक भी है, हमें चाहिए थोड़ी सी थिक ताकि वो दिखे, तो हमने थिक पे क्लिक कर लिया है। आपको नुक्तदान जैसे आपको बॉक्स वाली चाहिए, शेड वाली लाइन चाहिए, 3D चाहिए, कस्टम चाहिए, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे, यहाँ पे और एंड यहाँ पे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके का बटन जो है वो ऑन हो जाएगा। अब ओके का बटन लगाएंगे तो देखें यहाँ पे, अब आप यहाँ पे अपना काम कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये देखें हमारा काम कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।